आप पाकिस्तान को कौन से वर्ल्ड कप में देख रहे हैं? पाकिस्तान जब तक ये करप्शन है तब तक तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान फुटबॉल टीम छीनी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं मोहम्मद साद आपका दोस्त और तय्यब इमरान एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा संजीदा है। हम दोनों भाई फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं, लेकिन हम दोनों भाइयों को कभी प्रोफेशनल खेलने का मौका ही नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता। इसी के बारे में आज हम एक प्रोफेशनल बंदे से गुफ्तगू करेंगे। अब हम काका से मिलने जा रहे हैं। काका बता ना कौन है? रियोनाल्ड मेसी। वो ब्राजील वाला काका? हाँ वही, पाकिस्तान आया आज उसके पास। अच्छा, उसके पास जा रहे हैं। चलो चलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं और तैयब भाई पहुंच गए एमटीएफए। अब हम काका जी से लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन। पाकिस्तान के फुटबॉल को अगर आपने बेहतर करना है, सबसे पहले ये है कि हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल में सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, कि आप यूरोपियन अकेडमीज़ देखेंगे, वहाँ पे अंडर 8 की लीग होती है, अंडर 6 की लीग होती है, अंडर 10 की लीग होती है, अंडर 12 की लीग होती है, वहाँ पे लीगें होती हैं। वहाँ पे ना बच्चों के अंदर एक पैशन क्रिएट किया जाता है थ्रू कम्पिटिशन। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आप उनकी जो छोटी से छोटी लीग भी देखें उसका स्टैंडर्ड देखें, तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में PPL या बी डिवीज़न जैसी मैचेस में भी नहीं मिलता जो उनकी छोटी लीगों का स्टैंडर्ड है। तो हमें सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहिए, अपने स्ट्रक्चर बिल्ड करने चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे ग्राउंड वर्क करना चाहिए। और वन मेजर थिंग ये है कि हमें क्वालिफाइड कोचेज लानी चाहिए। क्वालिफाइड कोचिज से मुराद है कि हमारे छोटे लेवल पे ट्रेंड चला हुआ कि जिसने भी अच्छे लेवल पे खेला है, थोड़ा बहुत खेला है, उसको पकड़ते हैं हम कोचिंग लाइफ में ले आते हैं, जी ये हमारा कोच है। उसको वो वाले एंगल्स का नहीं पता होता कि एक प्लेयर को डेवलप कैसे करना है, ठीक है, वो एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया काका भाई, आपको हमें टाइम देने का, बहुत मेहरबानी आपकी। फिर आप पाकिस्तान को कौन से वर्ल्ड कप में देख रहे हैं? पाकिस्तान जब तक ये करप्शन है तब तक तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हों। जैसे अभी हमें सुनने में आया है कि गवर्नमेंट जो है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो कि फीफा की अपॉइंट कमेटी है उसको हाउस वापस कर रहे हैं। अगर वो हाउस वापस करता है तो मेरी नॉर्मलाइजेशन कमेटी से भी गुजारिश है कि वो काम करें जो फीफा ने जिस काम के लिए उनको भेजा है। अगर वो काम करेंगे, थोड़े से कंपटीशन, नेशनल चैम्पियनशिप्स करवाएं, लड़कियों की करवाएं, जूनियर्स की करवाएं, ये कुछ थोड़ा बहुत कुछ फुटबॉल होगा और कोई कोचिंग लाइसेंस हो गया तो पाकिस्तान बहुत जल्द ऊपर आए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये भाई काका भाई की बातें सुनने के बाद आपको लग रहा है कि हम लोगों का फुटबॉल में कोई चांस है? नहीं नहीं ओ लाला मेरे शिवर में तो ले आ। इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।